मेरी रक्षा करी, जिन्होंने मुझे बचा के यमराज के द्वार से लाए। और वो मेहता जी और कोई नहीं, हमारे गुलजू थे, क्योंकि हम पहाड़ों में भगवान जी को बहुत मानते हैं। हमारे कुल देवता जो होते हैं इष्ट घर के, वो गुलजू होते हैं और नरसिंह देवता होते हैं। पर नरसिंह देवता के तो कपड़े पीले रहते हैं और गुलजू के कपड़े जो होते हैं सफ़ेद कपड़े होते हैं, इसलिए वो और कोई नहीं गुलजू ही थे। और आज भी भगवान हैं, तब भी भगवान थे, हमेशा भगवान रहेंगे, पर मन की आस्था होनी चाहिए। चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। सुबह के 8 बजे हैं, मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन में से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, सुबह का सारा टाइम महिलाओं का किचन में ही बीत जाता है। और अभी अभी मैं नहा के भी आई हूँ, अभी मैंने बाल भी नहीं सूखे हैं, मैंने सिर में ये तौलिया ही बांधा है अभी। और चूल्हा गैस साफ करना, पोछा लगाना, वो सारा काम कर दिया है मैंने। अपने कपड़े भी धो दिए हैं और मिश्रा जी गए हैं बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए। जैसे कि परसों मेरे ससुर जी का श्राद्ध था और कल को मेरी सासू जी का श्राद्ध है और आज है अभीक। अभीक से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। आज पहाड़ी रिवाज है ये, जो पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ से बाहर गए हैं, उनको तो सबको पता होगा। वो सोचेंगे क्या बता रही है, ये तो सबको पता है। पर कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि अभीक के दिन क्या करते हैं और श्राद्ध के दिन क्या करते हैं, कैसे पोछा लगाने के बाद क्या डाला जाता है। जैसे और दिनों में हम पोछा लगाते हैं तो हम या तो फूल डालते हैं दरवाजे पे, या तो हम चावल डाल देते हैं। आप लोग भी डालते ही होंगे, सबको पता है। पर आज अभीक है तो अभीक के दिन जैसे हम पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद जौ डालते हैं। और मैं तो इससे पहले वाले श्राद्ध में, जब ससुर जी का श्राद्ध था, मैं अभीक के दिन भी और श्राद्ध के दिन भी जौ ही डालती थी। मुझे ये पता नहीं था कि अभीक के दिन जौ डालना होता है और श्राद्ध के दिन चावल डालने होते हैं। और जब श्राद्ध के दिन, उस पिछले श्राद्ध में, जब ससुर जी के श्राद्ध में बुआ सासू जी आए हुए थे, तो श्राद्ध के दिन सुबह ही आ गए थे वो। और उन्होंने, हमारे वहाँ रिवाज है पहाड़ों में कि जब श्राद्ध होता है तो जिसके पास दूध नहीं है तो दूध देते हैं, दही देते हैं। तो इस प्रकार सासू जी दूध और दही लेके आए थे। उन्होंने देखा दरवाजे पर कि मैंने उस दिन भी जौ ही डाले थे। सासू जी ने कहा कि आज जौ नहीं डालने थे, आज तो तुम्हें चावल डालने थे। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो आज तक हमेशा श्राद्ध में भी और अभीक में भी जौ ही डाला है। तब उस दिन सासू जी ने मुझे बताया कि अभीक के दिन और जौ डालते हैं और श्राद्ध के दिन चावल डालते हैं। इस प्रकार मुझे भी जानकारी हुई। सयाने अच्छी बातें ही बताते हैं जब भी हो, और सासू जी ने बताया तो मुझे भी जानकारी हो गई और वही जानकारी मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। कोई करते होंगे ऐसा भी, क्योंकि अभीक और श्राद्ध दोनों एक जैसा समझते होंगे, तो कोई लोग ऐसा ही कर देते होंगे मेरी जैसा, क्या पता दोनों दिन जौ डाल देते होंगे। इसलिए ये रिवाज बता रही हूँ मैं कि एक दिन जौ डालते हैं तो श्राद्ध के दिन फिर सुबह पोछा लगाने के बाद चावल या फूल जो भी डाल सकते हो वो डाल देते हैं। हमारे नल पे आज कितना गंदा पानी आ रहा है, देखिए पूरा मट्टी मट्टी आ रहा है। और मैं बर्तन साफ़ करने को भी बाथरूम से पानी लाई। अब मुझे जाना है पलखावा धारा, क्योंकि ऐसे पानी से मैं भगवान जी को कैसे नहलाऊं। आप ही देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है, पता नहीं क्या बारिश की वजह से हो रहा होगा ये। कल से ऐसी हालत हो रही है नलों में। और मैं जाती हूँ पलखावा धारा, अब मैं एक बार पलखावा धारा से पानी भर के लाती हूँ, 2 डब्बे ले जा रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद तब मैं पूजा करूँगी। बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग पर। देखिए पहुँच चुकी हूँ मैं धारे पर, और अभी धारे पर भीड़ नहीं है। और दिन तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर, क्योंकि आजकल गंदा पानी आ रहा है ना सबके घरों में, तो यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। अभी मैं फटाफट से भर लेती हूँ पानी। पानी से आने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर दी है। अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा, मैंने बत्ती जला दी है। अब मैं भगवान जी को नहला देती हूँ। मैंने पूजा भी कर दी है यहाँ पर भगवान जी की। अब मैंने पूजा करने के बाद जैसे ही मैं किचन में आई तो ये बाज़ार गए हुए थे, बाज़ार से आ गए हैं। अब मैंने सोचा थोड़ा सा चाय बनाऊंगी, आज व्रत है। और इन्होंने कहा मेरे सिर में मेहंदी लगा दे, तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ सिर में ये, उसके बाद बनाऊंगी मैं चाय। हेलो साइड,
काट दें। मेहंदी लगाओ, मेहंदी बाल काटे हैं तुमने? अरे बाल भी काटे, दाढ़ी भी बना गया है। तो बताओ, तब दिखनी है ना, नहीं दिखानी? परसों बारात में जा रहा हूँ मैं। किसकी बारात में? अब नहीं, अब बंद कर दे। ये देखिए मेहंदी लग चुकी है, सारी लगा दी है मैंने, पूरे सिर में लगा दी है। बैठो, अब शाम के 4 बजने वाले हैं और मेरा भी खाना बन के तैयार हो चुका है। आज उपवास है, आज अभी वाला व्रत है ना, अभी तब 4 बजे ही खाते हैं, इसलिए खाना बन चुका है, अब हम खाते हैं खाना। शाम के 7 बज चुके हैं और देखिए यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, अभी अभी थोड़ी थोड़ी लगी है, क्योंकि रोज़ का काम है बारिश का। कल तो जल्दी आ गई थी दिन में, और अभी आज अभी आ रही है ये शाम को। देखिए पूरा आसमान बादलों से घिरा है, चारों तरफ बारिश आ गई है। ये देखिए वहाँ थोड़ी सी बारिश लग रही थी, और ये टेडी देखो कैसे सोया है, तकिया बना रखा है इसने दीवार को अपना। ये टेडी, ए टेडी, 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 ए टेडी, जो लागना घर नहीं जाना है, ले घर नहीं जानी है, रात होने फिर बाघ आ, जा जा टेडी, अभी नहीं आता बाप, ए टेडी, टेडी टेडी से किसो का टेडी, टेडी तो कोनी पे मी क्यों कोनी के के टेडी ने टेडी छु, एक टेडी टेडी, मैं कहीं नहीं मानना चाहा, तुम को टेडी, तुम को सट्टा जाना, तुम को सट्टा जाना चाहा, सो जा फिर। यहाँ पर चक्की में गेहूँ लगाए हुए हैं, इतना पीस लिया है ये, थोड़ा सा और पीसना है। और अब मैं बनाती हूँ चाय, शाम की चाय बना रही हूँ अभी मैं, 7 बज चुके हैं और अब चाय बनाती हूँ मैं। शाम के 7 बज चुके हैं और हम आज जल्दी ही कमरे में आ गए हैं, क्योंकि आज हमारा व्रत था, तो शाम को खाना बनाया नहीं, क्योंकि हमने 4 बजे ही खाना खा दिया था, और इसलिए हम कमरे में जल्दी आ गए हैं। और मैं एक बात बता रही हूँ आपको, कल मैं बता नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा कल का ब्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा। जिन लोगों ने भी कल का ब्लॉग देखा है मेरा, सभी से कह रही हूँ मैं कि कल मैं नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे लगा बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा तो लोग देखेंगे नहीं, सीधा कहानी जैसे ही समझेंगे, पर लोगों ने बहुत देखा है आज, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। और मैं बता रही थी कि कल जो श्वेत कपड़ों में जिन्होंने मेरी रक्षा करी, जिन्होंने मुझे बचा के यमराज के द्वार से लाए, और वो मेहता जी और कोई नहीं, हमारे गुलजू थे, क्योंकि हम पहाड़ों में भगवान जी को बहुत मानते हैं, हमारे कुल देवता जो होते हैं इष्ट घर के, वो गुलजू होते हैं और नरसिंह देवता होते हैं, पर नरसिंह देवता के तो कपड़े पीले रहते हैं और गुलजू के कपड़े जो होते हैं सफ़ेद कपड़े होते हैं, इसलिए वो और कोई नहीं गुलजू ही थे, और आज भी भगवान हैं, तब भी भगवान थे, हमेशा भगवान रहेंगे। पर मन की आस्था होनी चाहिए भगवान के प्रति, मन में हमारा विश्वास है तो भगवान होते हैं, कहीं पर भी किसी भी रूप में हमारी मदद करते हैं, और वो हमारे गुलजू थे जिन्होंने मुझे बचाया, जो मेरे मायके में मुझे ले गए, मेरे पिताजी से कहा कि तुम्हारी बेटी को बचा के लाया हूँ, तो वो और कोई नहीं गुलजू ही थे, उन्होंने मेरी रक्षा की और मुझे बचा के लाए। आप लोगों ने मुझे सुना, जो मैंने कल बातें बताई आप लोगों ने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात आप लोगों ने सुना। परिवार होता है यूट्यूब फैमिली जो हमारी होती है, परिवार के लोगों ने मेरा दुख सुना, समझा और जाना, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ब्लॉग को बस यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।